नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इज अ गेलवानोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस जी इज शंटेड बाई रेजिस्टेंस एस ओम टू कीप द मेन करंट इन द सर्किट अनचेंज सवाल ये है द रेजिस्टेंस टू बी पुट इन सीरीज विद द गलवानोमीटर क्या होएगा और चार ऑप्शन अपने को यहाँ पे दे रखे हैं अगेन uh, यहाँ पे जो करंट uh, इलेक्ट्रिसटी के कॉन्सेप्ट तो, uh, यहाँ पे यूज करेंगे सो so, मान लीजिए हम ये कहते हैं कि ये आपका एक रेजिस्टेंस आर हमने लगाया ये आपका जो आपका सिचुएशन है उस केस में यह आपका एक गैल्वानोमीटर लगा हुआ है और उसके पैरल में हमने एक शंट ऐसे ऐसे लगा दिया है सवाल ये कि ये आर की क्या वैल्यू हो सो so दैट इस ब्रांच में जाने वाला जो ओरिजिनल करंट था उसकी वैल्यू वही आए इसका मतलब ये है कि इन दोनों का पैलल कॉम्बिनेशन प्लस इसका कॉम्बिनेशन शुड बी इक्वल टू जी जो आपका ओरिजिनल वैल्यू थी वहाँ पे, राइट सो तो इसका मतलब ये हो गया कि एस इन पैरल विद जी प्लस आर शुड बी इक्वल टू जी एस पैरल विद जी का मतलब हो जाएगा एस मल्टीप्लाइड बाई जी डिवाइडेड बाय एस प्लस जी प्लस आर विल बी इक्वल टू जी ये आपकी इक्वेश्चन uh, सॉल्व uh, करके अपने को यहाँ पे आंसर मिल जाएगा uh, हमें यहाँ क्योंकि आर की वैल्यू बतानी है तो विच एम्प्लाईज़ आर विल बी इक्वल टू जी माइनस एस जी डिवाइडेड बाई एस प्लस एस प्लस जी है सो इसको यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो so इसकी जो वैल्यू हो जाएगी आर uh, की वैल्यू विच एम्प्लाईज़ आर विल बी इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करके आएगा एस जी प्लस जी स्क्वायर माइनस एस जी तो एस जी कैंसिल हो जाएगा ये बचेगा जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस प्लस एस प्लस जी अरे सो दिस वुड बी द राइट आंसर इसका मतलब ये होगा ऑप्शन नंबर डी जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस प्लस जी वुड बी द राइट आंसर